अस्सलामु अलैकुम। दसवीं जमात का ज्योमेट्री का तीसरा चैप्टर है दायरा सर्कल, पार्ट वन, मश्क 3.1। सवाल नंबर पहला, शक्ल में नुक्ता सी दायरे का मरकज है। दायरे का निष्कुत्र जो दिया गया है वो 6 सम है। खत ए बी दायरे को नुक्ता ए पर मस करता है। इसमें 4 सवाल दिए गए हैं। नंबर 1, जाविया सी ए बी की पैमाइश कितने दर्जे है और क्यों? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अमल से पहले यहां पर लिखेंगे दायरे का निष्कुत्र। दायरे का निष्कुत्र दिया गया है 6 सम, और इसके बाद हम अमल लिखेंगे। दायरे के मरकज, दायरे का मरकज क्या है? दायरे के मरकज सी से ए और बी को मिलाएं। दायरे के मरकज सी से ए और बी को मिलाए, हमने मिला दिए, ये अमल में आया। अब मिलाते हैं हम इस तरह, ये मुसल्लस सी ए बी या ए बी सी बना है। यहां पर ये जो जाविया है 90 डिग्री है। क्यों है? चलिए नंबर एक का जवाब कि जाविया सी ए बी की पैमाइश कितनी होंगी। हम यहां लिखेंगे जाविया सी ए बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। हमने 90 डिग्री क्यों लिखा? मुमास निष्पुत पर उमूद होता है, ये वजह है इसकी। मुमास निष्पुत्र पर उमूद होता है, ये इसकी वजह है। सवाल नंबर पहले का जवाब। सवाल नंबर दूसरा पहले का ही दूसरा है। नुक्ता सी खत ए बी से कितने फासले पर वाक्य है, क्यों? नुक्ता सी खत ए बी से कितने फासले पर वाक्य है, यानी ए सी जितना होगा उतना ही वो नुक्ता सी खत ए बी से फासले पर वाक्य होगा। तो हम यहां पर लिखते हैं कि कृता एसी उमूद है खत ए बी पर। ये यहां पर दिया हुआ है कृता एसी खत ए बी पर उमूद है। अब एसी कितना है, यानी एसी क्यों बताया गया है? क्योंकि ये जो है एसी निष्पुत्र है, तो एसी इज इक्वल टू कितने सम है? 6 सम। क्यों? ये क्या है? निष्पुत्र है। हमने यहां पर दिया गया कि दायरे का निष्पुत्र 6 सम, तो यहां पर ये लिखेंगे दिया हुआ है। तो जवाब क्या होगा? देयरफोर नुक्ता सी खत ए बी से 6 सम फासले पर वाकई है। कह रहा क्यों? क्योंकि ए सी इज इक्वल टू 6 सम है। ये हुआ सवाल नंबर 2 का जवाब। सवाल नंबर पहले का तीसरा, डिस्टेंस ए बी दिया है 6 सम और
कितना एसी दिया गया है? 6, ये तो दिया गया है। एबी भी दिया गया है, कितना एसी तो स्टार्टिंग में दिया गया था। डिस्टेंस बीसी मालूम करना है, बीसी, तो बीसी मालूम करने के लिए हम यहां पर लिखेंगे एबी इज इक्वल टू 6 सम, एसी इज इक्वल टू, एसी इज इक्वल टू 6 सम, आपको मालूम करना है बीसी, बीसी मालूम। चलिए मुसल्लस एबीसी में, मुसल्लस ए बी सी में फीसागोरस का मसला इस्तेमाल करेंगे, फीसागोरस के मसले से। अब यहां पर 90 डिग्री नहीं बताया, क्योंकि क्वेश्चन में आंसर में हमने पहले ही बता चुके 90 डिग्री है ये जाविया, तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। मुसल्लस एबीसी में फीसागोरस का मसला, कायमा के सामने का क्षेत्र बीसी स्क्वायर, बीसी स्क्वायर इज इक्वल टू एसी स्क्वायर प्लस, एसी स्क्वायर प्लस बीसी, बीसी स्क्वायर इज इक्वल टू एसी स्क्वायर प्लस एबी स्क्वायर, कीमत रखेंगे, बीसी मालूम करना है, बीसी को ऐसी लिखेंगे बीसी स्क्वायर एसी 6 स्क्वायर प्लस ए बी 6 स्क्वायर, बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 36, 6 का मुरब्बा 36, 6 का मुरब्बा बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 36, ऐसा लिख देंगे हम, बी सी इज इक्वल टू, जरब करने की जरूरत, जमा करने की जरूरत नहीं आपको, 2 जरब 36 कर देंगे, क्योंकि 36 दो बार है, दो लिख दिए, यहां से स्क्वायर हटाएं, तरफैन का जसुम रब्बा करने पर 2 जरा 36, बी सी इज इक्वल टू 36 का जसुम रब्बा 6 रूट टू सम, बी सी आए 6 रूट सम, तो देयर फोर डिस्टेंस बी सी, डिस्टेंस बी सी जो पूछा है वही हम लिखेंगे, डिस्टेंस बी सी इज इक्वल टू 6 रूट टू सम, इसका जवाब होगा सवाल नंबर 3 का। सवाल नंबर 4, पहले का 4, 4 सवाल आता है इसमें, जाविया ए बी सी की पैमाइश कितने डिग्री है कह रहे, कैसे मालूम करें? देखिए यहां से स्टार्ट करते हैं, यहां पर एसी 6 ए बी 6, यानी यहां लिखेंगे एसी इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, दोनों जिले इक्वल हैं, तो इस सूरत में यहां पर हम लिखेंगे जाविया जब दोनों जिले मुतमासिल है, तो इस सूरत में इनके मुकाबिल के जो जाविये होंगे वो मुतमासिल होंगे, तो जाविया ए सी बी, जाविया ए सी बी बराबर है जाविया ए बी सी के, ए बी सी के, ए सी बी, ए बी सी मुतमासिल जाविये, या लिखेंगे मुतसल साकैन मुसल्लस के मसले से, मुतसल साकैन मुसल्लस के मसले से, इसकी वजह है मुतसाविस साकैन मुसल्लस के मसले से हमने दोनों जाविये मुतमासिल, यानी इनके दोनों जिले मुतमासिल है, तो इसके जो मुकाबिल के जाविये होंगे, इसके मुकाबिल ये है और इसके मुकाबिल ये जाविये है, तो इस सूरत में ये दोनों मुतमासिल है। इसके बाद हम फर्ज करेंगे, फर्ज किया कि यहां फर्ज किया कि जाविया ए सी बी इज इक्वल टू जाविया ए बी सी इज इक्वल टू एक्स ले लेंगे, दोनों मुतमासिल है इसलिए हमने क्या किया एक्स फर्ज कर दिया। आप मुसल्लस ए बी सी में, मुसल्लस ए बी सी में, ए बी सी में ही देख रहे हैं, जाविया ए बी सी जमा
जाविया ए बी सी ए सी बी जाविया ए सी बी प्लस जाविया, अब कौन सा बचा, ए सी ए बी सी जाविया सी ए बी। हमें क्या मालूम करना है, ए बी सी मालूम करना है, यहाँ पर क्या बचा सी ए बी सी ए बी और इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्यों, मुसल्लस के तीनों जावियों की पैमाइश यानी कितनी होती है 180 डिग्री, मुसल्लस के तीनों जावियों की पैमाइश का मजमा 180 डिग्री होता है। अब देखिए जाविया एबीसी कितना है, एबीसी एक्स, ये एक्स लिए प्लस, एसीबी कितना है, एसीबी एक्स है जो हमने फर्ज किया, ये जो हमने फर्ज किया था एबीसी और एसीबी एक्स है प्लस जाविया सीएबी सीएबी इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां पर जाविया देखिए, यहां पर जाविया एबीसी एक्स एबीसी एसीबी एक्स एक्स है प्लस, लेकिन यहां पर सीएबी सीएबी कितने डिग्री है 90 और इज इक्वल टू 180 डिग्री, एक्स एक्स 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 90 को राइट में लेकर गए, एक्स 2x 2x इज इक्वल टू 180 में से 90 गया 90 बचा, x इज इक्वल टू 90 अपॉन 2 द्रव का मान तकसीम में कितना हुआ 2 चौ 8 एक बाकी बचा 10 बना 2 पंजे 10 देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना आया 45 डिग्री। अब x जो हमने फर्ज किया था हमें क्या मालूम करना है ABC, तो ABC और ACB सेम है तो यहां पर जाविया ABC की तो जाविया ABC इज इक्वल टू 45 डिग्री, ये इसका जवाब होगा। आइए यहां पर नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 और नंबर 4 ये यहां पर इसके क्या रहेंगे जवाबात होंगे, एक साथ लिखेंगे। देखिए जवाबात में नंबर 1 पूछा था जाविया CAB कितना है, CAB 90 आया था, नुक्ता C खत AB से कितने सम के फासले पर वाक्य है 6 सम के, डिस्टेंस BC कितना आया था, डिस्टेंस BC आया था 2√2 सम आया था, और जाविया ABC 45 डिग्री, ये है सवाल नंबर पहला। सवाल नंबर दूसरा, शक्ल में देखिए कि MR और NR ये मुमासी कितात है और M और N नुकात पर ये मस करते हैं, OR दिया है OR 10 सम और दायरे का निष्कुत्र जो दिया है वो 5 सम है। सबसे पहले हम अमल लिखेंगे, अमल मैं यहां पर लिखता हूं, अमल में दायरे के मरकस O से M और N को मिलाए, M और N को मिलाए, ठीक है हम मिला देते हैं यहां पर इस तरह से, इसको हमने मिला दिए ओके, और निष्पुत्र जो दिया है वो 5 सम, कितने समय दायरे का निष्कुत्र 5 समय, ये भी 5 है और ये भी सेम है, एक ही दायरे का निष्कुत्र है। चलिए हम मुसल्लस
OMR में सब क्या मालूम करना है, हर मुमासे कता की लंबाई मालूम करना है, यानी MR और NR की लंबाई मालूम करना है। तो मुसल्लस OMR में लिखेंगे, मुसल्लस OMR में, मुसल्लस OMR में जो दिया है वो लिखेंगे OM इज इक्वल टू, OM इज इक्वल टू 5 सम और OR इज इक्वल टू, OR इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। क्या मालूम करना है, MR, MR मालूम करना है। तो मुसल्लस ओ एम आर में पहले हम सबसे पहले ये बताएंगे कि ये 90 डिग्री का है, यानी कि जाविया ओ एम आर, जाविया ओ एम आर इज इक्वल टू 90 डिग्री ओ एम आर। क्यों, मुमास, मुमास निष्पुत्र पर उमोद होता है, उमोद होता है। तो ठीक है, फिर एम आर मालूम करने के लिए अपने पास में ओ एम ओ आर है, तो फीसागोरस के मसले से मुसल्लस ओ एम आर में फीसागोरस के मसले से, फीसागोरस का मसला सब आप जानते हैं, कायमा के सामने कभी रहूंगा ओ आर स्क्वायर, ओ आर स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम स्क्वायर प्लस और एम आर स्क्वायर, एम आर स्क्वायर कीमत रखेंगे। ओ आर कितना है 10, 10 स्क्वायर, ओ एम कितना है 5 स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर, इसको लेफ्ट में लाते हैं तो 10 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। इसको एक वत्तो माइनस बी वत्तो के जाप्ते से हल करेंगे तो 10 प्लस 5 और 10 माइनस 5 इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, 10 और 5 15, जरा 10 में से 5 गया 5 इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। अब देखिए यहां पर 10 एक वो दो माइनस बी को दो का दाबता इस्तेमाल किए, ए प्लस बी ए माइनस बी, 10 और 5 15, 10 में से 5 गया 5 एम आर स्क्वायर। अब यहां पर एम आर इज इक्वल टू, एम आर इज इक्वल टू इसे हम रूट में डाल देंगे 15 × 5, या तरफेन का जज़ मुरब्बा करेंगे या फिर स्क्वायर हटाए तो जज़र लगा दिए। एम आर इज इक्वल टू, अब 15 5 दिया 15, जरा 5 अपनी जगह पर इज इक्वल टू, एम आर इज इक्वल टू जोड़ी में से एक ले लेंगे 5 या 5 5 25 25 का जज़ मुरब्बा 5 √3। यहां पर एम आर, एम आर जो है 5 √3 सम। अब हम इससे ये साबित कर सकते हैं एम आर 5 √3 है तो उतना ही एन आर होगा 5 √3। तो इससे, इससे हम साबित कर सकते हैं कि एन आर, आर एन आर इज इक्वल टू 5 √3 सम। इसलिए एम आर इज इक्वल टू, एन आर इज इक्वल टू 5 √3 सम। इसकी वजह, इसकी वजह मुमासी किताब के मसले से, मुमासी किताब के
मसले से। मुमासी किताब का मसला क्या है कि बैरून नुक्ते से दायरे पर खींचे गए मुमासी किताब की लंबाई मसावी होती है। अब सवाल नंबर दूसरा, सवाल नंबर दूसरा, जाविया एम आर ओ, ये जाविया मालूम करना है, कैसे मालूम करूं? देखिए हम लिखते हैं ओ एम इज इक्वल टू एक बटे दो ओ आर की। ये ऐसा क्यों लिखे और क्या साबित करना चाहते हैं? देखिए ओ एम जो है वो पांच है, ओ एम पांच, जब इन दोनों की जरब करेंगे तो ओ आर कितना आएगा? 10। यानी 30 के मुकाबिल का जिला वित्र का निस्फ होता है, ये मसला है। 30 के मुकाबिल का जिला वित्र का निस्फ हो जाता है, तो यही तो है। अगर ओ एम अपने को मालूम करना है तो एक बटे दो जरा ओ आर कितना है? 10 है, दो एक दो पंच दस, पांच आए हो। यानी हम यहां पर लिखेंगे 30 वजह में 30 60 90 के मसले के अक्स से। यहां पर सवाल नंबर दूसरा खत्म हुआ। यहां हमने 30 60 90 के मसले के अक्स से देखें कि मालूम क्या करना है, जाविया एम आर ओ मालूम करना है। तो जाविया यहां लिखेंगे जाविया एम आर ओ इज इक्वल टू कितने डिग्री का हो जाएगा? 30 डिग्री का। क्यों होगा 30 डिग्री का? क्योंकि 30 के मुकाबिल का जिला वित्र का निस्क होता है। तो इससे हम यह साबित कर सकते हैं, इससे हम साबित कर सकते हैं कि जाविया एन आर ओ कितने डिग्री का हो जाएगा? 30 डिग्री का। यह हुआ सवाल नंबर दूसरे में, जो हमने जाविया मालूम करना था कि एम आर ओ की पैमाइश कितनी है, तो एम आर ओ आया 30 डिग्री, और इससे हमने एन आर ओ मालूम कर दिए, जो कि आगे तीसरे सवाल में हमें मालूम करना है। सवाल नंबर दूसरे का तीसरा लास्ट क्वेश्चन, इसमें तीन सवाल आते हैं। जाविया एम आर एन मालूम करना है, और हमने ये साबित किया है कि एम आर ओ और एन आर ओ जो है वो 30 डिग्री के हैं। ओके, तो जाहिर सी बात है कि एम आर एन कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। लेकिन क्या करना आपने अभी लिखना है। तो जाविया एम आर एन इज इक्वल टू जाविया, इन दोनों को जमा कर दीजिए, एम आर ओ प्लस जाविया एन आर ओ इज इक्वल टू 30 प्लस 30 इज इक्वल टू 60 डिग्री। देयरफॉर जाविया एम आर एन इज इक्वल टू आया है 60 डिग्री। अब जवाब लिखेंगे हम तमाम को एक साथ में। नंबर एक था कि हर मुमासी किताब की लंबाई कितनी है, तो हर मुमासी किताब की लंबाई 5√3 सम है। नंबर दो, जाविया एम आर ओ 30 डिग्री आया है। नंबर तीन, जाविया एम आर एन 60 डिग्री है। थैंक यू।